सो गाइस यार, क्या आप लोग अभी फ्री फायर या फिर फ्री फायर मैक्स दोनों ओपन नहीं हो रहा है? आप लोग काफी परेशान हो रहे हो कि आखिर हम लोग का फ्री फायर मैक्स ओपन क्यों नहीं हो रहा है, सर्वर मेंटेनेंस का प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। इसके साथ साथ गाइस आज आप लोगों को पता होगा कि यार अपना 25 मई के दिन गाइस अपना यहाँ पे जो OB34 का अपडेट था वो गाइस यार अपने गेम के अंदर आने वाला है, यानी गाइस आ जाएगा। आज आप लोगों को 25 मई के दिन अपडेट देखने को मिल जाएगा, जिसके बाद गाइस आप लोग अपडेट पूरी तरह से यार फ्री फायर पूरी तरह से या फिर फ्री फायर मैक्स पूरी तरह से अपडेट हो जाएगा। सो गाइस यार आप लोग फ्री फायर मैक्स को तो प्ले स्टोर से अपडेट कर सकते हो, लेकिन गाइस जो फ्री फायर यूजर्स हैं वो यार फ्री फायर को अपडेट कैसे कर सकते हैं, क्योंकि यार फ्री फायर तो प्ले स्टोर में मौजूद है ही नहीं। सो गाइस यार कैसे आप लोगों को ये सब करना है सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो के अंदर, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। बट उससे पहले आप लोग इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब फटाफट कर लो। सो गाइस सबसे पहले बात करें तो सर फ्री फायर में आज के दिन आप लोगों का पैच अपडेट आने वाला है, यानी इस पैच अपडेट की वजह से आज आप लोगों का फ्री फायर पूरी तरह से बंद रहेगा। सुबह के 9 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक करीब आप लोगों का फ्री फायर पूरी तरह से बंद रहेगा, आप लोगों का फ्री फायर नहीं खेल सकते हो। सो आप लोगों को क्या कुछ करना है मैं आप लोगों को बता दूं कि सर आप लोगों को सबसे पहले तो गाइस 11 बजे के टाइम आप लोगों को यहाँ पे जो फ्री फायर मैक्स के अंदर अपडेट आ जाएगा, जिसके बाद आप लोग फ्री फायर मैक्स को अपडेट कर लेना। और अगर इस बात करें तो फ्री फायर की, तो गाइस फ्री फायर अपडेट आप लोग करके क्या फायदा आप लोग को, क्योंकि गाइस आप लोगों को फ्री फायर के अंदर कोई इवेंट्स वगैरह देखने को मिलेगा नहीं, कोई भी अपकमिंग अपडेट्स वगैरह फ्री फायर के अंदर आप लोग को देखने को मिलेगा नहीं, क्योंकि गाइस फ्री फायर पूरी तरह से इंडिया में बैन हो चुका है। तो आप लोगों को फ्री फायर को अपडेट नहीं करना है, फ्री फायर मैक्स को आप लोग अपडेट कर लेना। एंड गाइस फ्री फायर अगर आप लोग फ्री फायर भी अपडेट करना चाहते हो तो जैसे अपडेट आएगा गाइस मैं आप लोगों को ये स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, जिसके अंदर आप लोगों को बताऊंगा फ्री फायर को आप लोग अपडेट कैसे कर सकते हो। सो आप लोग कुछ भी करना नहीं, आप लोगों को फ्री फायर मैक्स को अपडेट कर लेना। एंड अपडेट करने वाला आप लोग जैसे गेम ओपन करो तब भी आप लोगों को प्रॉब्लम आ जाएगा कि यार यहाँ पे आप लोगों को सर्वर प्रॉब्लम आ जाएगा, यानी कि सर्वर मेंटेनेंस आ जाएगा, या फिर कैसे आप लोगों को यहाँ पे लिखेगा तो सर्वर विल बी रेडी सून, ऐसे करके कोई प्रॉब्लम आ जाएगा जो कि कैसे आप लोगों का सॉल्व होगा शाम के 6 बजे तक, यानी कि आप लोगों का गेम है तो शाम के 6 बजे तक पूरी तरह से ओपन हो जाएगा, जिसके बाद आप लोग जो अपडेट्स का मजा ले सकते हो। एंड गाइस बात करें तो यार अपने फ्री फायर के अंदर कुछ अपकमिंग अपडेट्स वगैरह में चेंजेस आने वाले, तो आप लोग को मैं एक एक चेंजेस करके दिखा देता हूँ क्या क्या अपडेट्स आने वाले, जो कि आप लोग को एकदम जानना जरूरी है। तो गाइस यार अपडेट के बाद जैसे ही आप लोग का सीएस रैंक अपडेट हो जाएगा, उसके बाद आप लोग देख सकते हो यहाँ पे सीएस रैंक के अंदर आप लोग को यही जो है मतलब क्लास स्क्वाड रैंक के अंदर, यानी आप लोग को जो यहाँ पे गोल्ड का रिवॉर्ड होता है गाइस यार वो अपना M14 स्किन होने वाली है, M14 की गन स्किन जो कि आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पे कुछ इस तरह का जो अपना M14 की स्किन है वो आप लोग को देखने को मिल जाएगी अपने नेक्स्ट सीएस रैंक अपडेट के बाद। सो गाइस अभी जो हमारा नेक्स्ट अपडेट है गाइस यार वो अपना जो यहाँ पे कैरेक्टर चॉइस है, जो कि यार यहाँ पे आप लोग कैरेक्टर के अंदर कुछ नया फीचर देखने को मिलेगा, जिसमें कि आप लोग को यहाँ पे हर एक कैरेक्टर के साथ आप लोग को लिंक का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, यानी कि आप लोग लिंक के ऑप्शन से क्या आप लोग को फायदा होगा मैं आप लोग को ये बता दूँ कि सर आप लोग को यहाँ पे कोई भी कैरेक्टर, यानी कि जो भी कैरेक्टर आप लोग का अनलॉक नहीं है, यानी कि जो भी कैरेक्टर को आप लोग को ओपन नहीं किया हो, जैसे मान लो हयातो को आप लोगों ने परचेज नहीं किया, हयातो आप लोग के पास नहीं है, तो इस लिंक वाले ऑप्शन से आप लोग किसी भी कैरेक्टर की एबिलिटी लगा सकते हो, जैसे आलोक कैरेक्टर की एबिलिटी आप लोग यूज कर सकते हो, वो भी अगर आप लोग के पास आलोक कैरेक्टर नहीं रहेगा जिसके बाद भी आप लोग जो यहाँ पे आलोक कैरेक्टर गए सर उसका एबिलिटी आप लोग यूज कर सकते हो यहाँ पे लिंक के ऑप्शन से। जैसे आप लोग इस पर कन्फर्म करते हो तो यहाँ पे जैसे तो गोक दिया है, एंड यहाँ पे आप लोग को कुछ मिशन दिए जाएंगे जो कि आप लोग को कंप्लीट करने के बाद गई यहाँ पे आप लोग को जो है अपना जो अपना कैरेक्टर लिंक हो जाएगा, जिसके बाद आप लोग जो है किसी भी कैरेक्टर का आप लोग मजा ले सकते हो, किसी भी कैरेक्टर का मतलब जो भी एक्टिव स्किल वाला कैरेक्टर उसे आप लोग किसी भी अन्य कैरेक्टर के अंदर लगा के आप लोग यहाँ पे लिंक कर देना, जिसके बाद से आप लोग गेम के अंदर गए ये अपडेट मतलब काफी बढ़िया अपडेट है जो कि सर आप लोग को देखने को मिलेगा, यानी कि इससे आप लोग को यही प्रॉफिट है कि आप लोग अगर आप लोग का जो भी कैरेक्टर अनलॉक नहीं है, यानी जो कैरेक्टर आप लोगों ने ओपन नहीं किया वो कैरेक्टर का भी आप लोग फायदा उठा सकते हो। एंड यहाँ पे कैसे आप लोग को यहाँ पे कुछ अन्य अन्य रिवॉर्ड्स भी देखने को मिल जाएंगे, जो कि सर आप लोग गेम के बाद जैसे ही अपना यहाँ पे मतलब अपना गेम कट करोगे उसके बाद आप लोग को यहाँ पे कुछ फ्रेगमेंट वगैरह कैरेक्टर के फ्रेगमेंट वगैरह मिल जाएंगे, जो कि सर कुछ इस तरह से आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कैरेक्टर के फ्रेगमेंट वगैरह आप लोग को मिल जाएंगे। एंड हाँ सर जो नेक्स्ट अपडेट निकल कर आ गई सर वो अपना जो यहाँ पे स्टेफी कैरेक्टर का सर यहाँ पे देख सकते हो आप लोग इस वाले कैरेक्टर के अंदर गई आप लोग जैसे यहाँ पे इसका एबिलिटी ऑन कर दोगे, इसके बाद अगर इसके एबिलिटी के अंदर गई सर आप लोग का ग्रेनेड भी आ जाता है तो गई सर आप लोग को डैमेज वगैरह कुछ नहीं पड़ेगा, यानी कि डैमेज नहीं पड़ेगा आप लोग को यहाँ पे ग्रेनेड का अगर इसके अंदर गई सर इस सर्कल के अंदर अगर मतलब आप लोग रहते हो, यानी कि आप लोग का जो भी प्लेयर इस सर्कल के अंदर रहेगा सर उसको ग्रेनेड का डैमेज बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। तो गई सर ये भी काफी बढ़िया अपडेट है, चूंकि आप लोग का OB34 अपडेट के बाद आ जाएगा, और इसके साथ साथ यहाँ पे देख सकते सीजन 27 का जो यहाँ पे मतलब यार आप लोग का मतलब क्लास स्क्वाड का जो सीजन होने वाला है उसके यहाँ पे रिवॉर्ड्स देख सकते हो, तो आप लोग गोल्ड पे तो M14 मिलेगा, एंड प्लेटिनम पे गई यहाँ पे आप लोग को ग्रोजा मिल जाएगा जो कि यार टाइमिंग के लिए केवल मिलेगा आप लोग को 30 डेज के लिए, और यहाँ पे डायमंड पे भी आप लोग को ग्रोजा मिल जाएगा जो कि कैसे आप लोग को 30 डेज के लिए मिल जाएगा, जिसके बाद गई यार आप लोग यहाँ पे और भी रिवॉर्ड्स आप लोग को मिल जाएंगे जैसे कि इमोट। जी हाँ गाइस आप लोगों को इमोट जो है गाइस सर वो आप लोगों को मास्टर पे जाने पे मिल जाएगा, जैसे कि आप लोगों को हीरोइक पे तो टी शर्ट वगैरह मिलता है आप लोगों को पता ही होगा, लेकिन गाइस सर यहाँ पे एक और न्यू चीज आ चुका है जिसमें आप लोग जैसे ही मास्टर पे रीच करोगे, यानी क्लास स्क्वाड के अंदर जैसे आप लोग मास्टर जाओगे तो यहाँ पे गाइस आप लोगों को एक इमोट मिल जाएगा, जो कि सर मेरे हिसाब से आप लोगों को परमानेंट ही मिलेगा, क्योंकि सर यहाँ पे जो अपना मतलब यार बोल सकते हो गाइस सर यहाँ पे परमानेंट मतलब यहाँ पे कोई टाइमिंग वगैरह नहीं दिया, तो इसलिए सर ये इमोट जो आप लोगों को परमानेंट मिल सकता है। सो आज की इस वीडियो के अंदर मैंने कुछ अपडेट्स को आप लोगों को बता दिया जो कि आप लोगों को जानना काफी इंपॉर्टेंट था, एंड काफी मजेदार अपडेट्स थे जो कि सर मैंने आप लोगों को बता दिया, और इसके साथ साथ कैसे अगर आप लोग गेम वगैरह से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर देना, मैं आप लोगों को उसका सोल्यूशन बता दूंगा। सो कैसे आज का वीडियो आप लोगों को कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कैसा लगा, एंड वीडियो पसंद आता तो एक लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो कैसे मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।